जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक है दोस्तों, उस रिया की बात देश क्यों सुने। सुशांत केस में क्या अंकिता लोखंडे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने 3 साल के बाद फिर से मुंह खोला और ऐसा कुछ बोला जिसके बाद कहा जा रहा है कि फिर से लोगों ने सवाल उल्टा उन पे उठा दिए हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो शाहरुख खान अपनी फिल्म आने से पहले क्यों भड़क रहे हैं फैंस के ऊपर, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहा जा रहा है कि जो सुशांत मामला था, इस मामले को लगभग 3.5 साल हो रहे हैं, आज भी मामले को लेकर एजेंसी बिल्कुल चुप है, शांत है, कोई मामले की अपडेट निकल के नहीं आ रही है। पर फिर भी कहा जा रहा है कि लोगों को उम्मीद है कि इस मामले को लेकर कोई बड़ी खबर जरूर निकल के आएगी। पर इस मामले में कोई अपडेट आए ना आए, पर अंकिता लोखंडे जरूर निकल के आती हैं। जब जब ये निकल के आती है तो कहा जाता है कि लोग इनको ट्रोल क्यों करते हैं, इसका रीज़न आज लोगों ने ही बता दिया है। कहा जाता है कि हाल ही में अंकिता लोखंडे का एक टीवी सीरियल आया, आपको याद होगा पवित्र रिश्ता। ये वो टीवी सीरियल था जब सुशांत और अंकिता एक साथ काम करते थे, और ये वही टीवी सीरियल था जहां पर इनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि इनकी जोड़ी एक वक्त ऐसा आया था जब शादी भी करने वाली थी, पर वो शादी हो नहीं पाई। पर कहा जाता है कि फिलहाल सुशांत जाने के बाद पवित्र रिश्ता 2 बना और वो सुपर फ्लॉप रहा, क्योंकि बिना सुशांत बिना मानव के पवित्र रिश्ता कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा था, और अंकिता का वो टीवी सीरियल बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। अंकिता लोखंडे ने कई फिल्में करी भी होंगी, कई फिल्मों में आपने उनको देखा भी होगा, पर बहुत बड़ा रोल उन्होंने नहीं किया है फिल्मों के अंदर। पर अब कहा जा रहा है कि 3 साल इस पूरे मामले को लगभग हो चुके हैं, 3 साल के ऊपर ही हो चुके हैं सुशांत मामले को, और फिर से अंकिता निकल के आई हैं। और अंकिता कहती हैं कि मुझे कई सारी फिल्में जो मिल रही थी मैं वो फिल्में कर लेती, क्योंकि उस समय मैं सुशांत से रिलेशन में थी, तो शायद आज वो उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रही हैं कि भैया मैंने वो फिल्में क्यों छोड़ी। उनका कहना है कि संजय लीला भंसाली ने मुझे एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उस फिल्म के अंदर मौका देने की बात की थी और मुझे मौका मिल भी रहा था, पर मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे शादी करनी है इसलिए मैं ये फिल्म नहीं करूँगी। पर अब कहा जा रहा है कि वो इस चीज़ को लेकर पछता रही हैं। तो लोगों ने भी यहाँ पर बोल दिया है, आप ट्विटर सर्च करेंगे तो आपको कई सारे कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लोगों ने इनको बोला है कि भैया आपका करियर आज के टाइम पर नहीं चल रहा है तो आप फिर से वही चीज़ें रिपीट करने दोबारा आ गए हो। जबकि लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत की अपडेट कब आएगी इस मामले की, तो वहीं कहा जा रहा है कि अंकिता है वो अपने उस टाइम को फिर से याद कर रही हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लोगों ने तो ये बोला कि लग रहा है कि अंकिता जो है वो रिग्रेट कर रही है कि सुशांत की वजह से या शादी की वजह से उन्होंने वो फिल्में क्यों छोड़ी हैं। यहाँ तक कि एक फिल्म की और उन्होंने बात करी कि शाहरुख खान के साथ कोई फिल्म थी, शायद उसमें भी उनको मौका मिलने वाला था। अब वो हैप्पी न्यू ईयर थी या कौन सी थी ये कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि एक फिल्म के बारे में इन्होंने चर्चा करी। तो अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जब इस बारे में बात कर रही थी तो लोगों ने कहा कि भैया आप 3 साल के बाद आकर इस मामले में तो बात करते हो, पर आप उस बात का जवाब नहीं देते हो जो आपने अर्णव गोस्वामी के शो में बैठकर ये बोला था कि आप दिशा सालन को नहीं जानते, पर आपकी फ़ोटोज तो दिशा के साथ दिखाई दी थी तो आपने फिर झूठ क्यों बोला। इस प्रकार भी लोगों ने इनसे सवाल पूछे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़े बयान दिए थे अर्णव गोस्वामी के शो पूछता है भारत में बैठकर, और कई सारे सवाल इनसे पूछे गए थे सुशांत को लेकर, और इन्होंने साफ बोला था कि भैया सुशांत के परिवार के पास कहीं ना कहीं सबूत होंगे, तभी उन्होंने 15 करोड़ के घोटाले की बात करी कि 15 करोड़ रिया ले गई, कुछ इस प्रकार आरोप लगाए थे परिवार ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस समय अंकिता को परिवार की ओर से, उनकी बहनें जो थी सुशांत की उनकी ओर से सपोर्ट भी मिला, और हाल ही में कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जो है उन्होंने विक्की जैन से शादी कर ली, अब अपनी पर्सनल लाइफ में मैरिड लाइफ में बिजी हैं। पर जब से उन्होंने ये बयान दिया तब से कहा जा रहा है कि फिर से उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और कई सारे लोग हैं जो सुशांत के जो फैंस हैं उन्होंने फिर से ये सवाल उठा दिया कि भैया 3 साल के बाद आप फिर से क्यों लौट के आए और फिर से आप वही बातें कर रहे हो जो आप पहले करके जा चुके हो। तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस को लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है, तो आखिरकार इस मामले का क्या होने वाला है, क्या इस मामले के बारे में अपडेट आएगी, जल्द आएगी, क्या इलेक्शन आएंगे तब आएगी, ये कोई नहीं जानता। इंतजार कर रहे हैं लोग कि इस मामले के बारे में कोई अपडेट निकल के आए, फाइनल कंक्लूजन निकल के आए, पर फिलहाल ऐसा कोई भी होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो देखने वाला विषय कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या निकल के आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का जहाँ पर हाल बेहाल हो रहा है, वहीं पर शाहरुख खान एक फ़ैन के ऊपर क्यों भड़क रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि फ़ैन ने भैया उनसे पूछ लिया कि आपकी ये फिल्म आने वाली है जवान, और जवान फिल्म के जो बुकिंग दिखाई दे रही है ये रियल है या फेक है। ऐसा कहा जाता है कि जब
शाहरुख खान की कोई फिल्म आती है तो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जब उनकी, तब वो पहुंचे थे वैष्णो देवी, अब कहा जा रहा है कि वो तिरुपति पहुंचे हैं जब उनकी एक और नई फिल्म निकल के आने वाली है। इसी के बीच कहा जा रहा है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म का ज़्यादा प्रमोशन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो ट्विटर के अंदर आते हैं और कहा जा रहा है कि ट्विटर के अंदर आस्क मी एनीथिंग नाम का एक सेशन करते हैं जहाँ पर वो पब्लिक से पूछते हैं, भैया जो तुमको पूछना है वो पूछो मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि आपकी जो फिल्म आ रही है जवान, उसकी प्री बुकिंग जो दिखाई दे रही है, जितनी टिकट दिखाई दे रही है कि बुक हो गई है, ये रियल है या फेक है। फिल्मों के बीच में दो तरीके की बुकिंग होती है, एक रियल जो हम टिकट खरीदते हैं और देखने जाते हैं, और फेक उसको कहा जाता है जैसे कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, मतलब एक कोई कंपनी है या फिर पीआर कंपनी है या फिर इंडस्ट्री की कंपनी है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी है, वो एक साथ टिकटें खरीद लेती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को बांट देती हैं। इससे क्या होता है कि दिखता है कि भैया फिल्मों की टिकट कितनी जल्दी बिक गई है, पर पूरी कंपनी एक साथ टिकट को खरीदती है और अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में बांट देती है। तो वही सवाल पूछा गया कि भैया इसमें रियल टिकट कौन सी और कॉर्पोरेट वाली कौन सी है, तो शाहरुख खान यहाँ पर जवाब देते हैं, सोशल मीडिया वाली घटिया बातें यहाँ मत करो, पॉजिटिव फीलिंग रखो, अच्छी सोच रखो और अच्छे से जियो, हैशटैग जवान। कुछ इस प्रकार शाहरुख खान जवाब देते हैं उस फैन को, जिसके बाद लोगों ने कहा कि भैया शाहरुख खान अपनी आने वाली जो फिल्म है जवान, उसके करीब कोई नेगेटिविटी नहीं लाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोगों को जवाब दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि रियल बुकिंग है फेक बुकिंग है, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म पठान जब आई थी तो उसके कलेक्शंस को लेकर सवाल बहुत उठे थे, क्योंकि कलेक्शन को लेकर बोला गया कि 1,000 करोड़ कमाए हैं, पर एक्चुअली में पठान ने कितने कमाए थे इसको लेकर कई बार लोगों ने सवाल पूछे और कई बार कहा जा रहा है कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े खुलासे करे हैं। तो देखने वाला विषय यह है कि शाहरुख खान की फिल्म जो जवान निकल के आ रही है, इसके रियल कलेक्शन कितने होने वाले हैं, क्योंकि लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, अब सवालों के जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा शाहरुख खान के द्वारा। पर देखने वाला विषय यहाँ पर, लगातार इंडस्ट्री में फ्लॉप फिल्में देने के बाद कई सारे जो एक्टर हैं अब वो शांत हैं, पर वहीं पे गदर 2 हिट होने के बाद अब लोगों की नज़र है जवान जो आ रही है फिल्म उसके ऊपर, और जवान के बाद शायद आने वाले टाइम पे टाइगर 3 भी निकल के आ जाए या फिर कोई और फिल्म निकल के आ जाए जिसके ऊपर भी लोगों की नज़र होगी। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निकल के आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ जरूर मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।